नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भोपाल लोकसभा सांसद प्रत्याशी हूँ छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी से। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ पार्टी का और लोकसभा प्रत्याशी हूँ। 19 लोकसभा भोपाल सांसद प्रत्याशी अजय कुमार पाठक। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का है। गौ सेवा के प्रति समर्पित समर्पण है और उसके बाद विकसित भारत, विकासशील भारत के साथ हम भी देश हित में, जनहित में सेवा करना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जन कल्याण के भी बहुत से मुद्दे हैं। जनता की आवाज़ बनकर दिल्ली में बैठूंगा और जनता का प्रतिनिधित्व, जनता को जो ज़रूरत होगी मैं उसको वो दूंगा। जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर जी पहले रही हैं यहाँ, हाँ, तो उनके काम से कहाँ तक संतुष्ट हैं, तो हमें खड़ा होना पड़ा इस बात। देखिए, हर सांसद अपने आप में जनता के प्रति, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है और कार्य भी करता है। अब उनका कितना कार्य रहा वो सब जनता ने देखा, आप लोगों ने देखा। हमको जनता अवसर देती है, जनता का प्रतिनिधित्व का अवसर देती है, हमको दिल्ली में बैठाती है, तो हमारे कार्यों को देखेगी जनता और आप सब देखेंगे। आपकी नज़र में गौ माता के अलावा और कौन कौन से विकास कार्य होना चाहिए भोपाल लोकसभा? जन कल्याण कार्यों के कार्य होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार का अवसर प्रदान मिलना चाहिए, किसानों के लिए, बेसहाय महिलाओं के लिए, सभी के लिए जो जीवन यापन के लिए स्तर होते हैं उनको विकास की प्रगति मिलना चाहिए। कोई महंगाई का मुद्दा भी है आपके पास या अच्छा चल रहा? नहीं, महंगाई तो जो है कम होना ही चाहिए। यदि आप लोकसभा में जाते हैं, हाँ, क्या इसके बारे में भी बात करेंगे? हाँ, जनता की हर आवाज़ को हम जनता के प्रतिनिधित्व में ही बात करेंगे, जनता के हित में ही कार्य करेंगे। अभी तक के अपना लोकसभा का कोई दौरा हुआ है? हाँ, लोकसभा के दौरे हुए हैं। हमारी जो भी 8 विधानसभाएं हैं उनमें प्रचार प्रसार चल रहा है, ई रिक्शा और बाइक के द्वारा हमारे माध्यम से, जहाँ जैसा जिस दिन का प्रोग्राम रहता है तो स्वतः जाते हैं, स्वयं भी जाते हैं आम जनता के बीच में। और जैसे हम साधारण अभी हैं वैसे ही साधारण बन के ही, सांसद बनने के बाद भी साधारण जनता के बीच में ही वे के जनता की सेवा करना चाहते हैं। जैसे योगी जी ने अपना योगी वाला चोला नहीं छोड़ा, हाँ, वैसे आप भी बस सनातन से जुड़े हुए हैं तो सनातनी हैं, सभी सनातनी धर्माचार्यों का, सनातन के धर्माचार्यों का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री के श्री चरणों में प्रणाम। और हम अपना जो वेशभूषा है वो भी नहीं बदलेंगे, हम लोकसभा का फॉर्म भरने भी धोती कुर्ता तिलक लगा के गए थे। जनता के बीच आप गए तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स? जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और भोपाल की जनता चाहती है कि इस बार अजय पाठक को ही सांसद बनाए, और निश्चित रूप से ही जनता की आवाज़ से ही, जनता के प्रभाव से ही, जनता के मत से ही, मतदान के बाद हमको सांसद प्रत्याशी बनाएगी जनता, ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।